नमस्कार, सागर टीवी न्यूज की इस विशेष पेशकश को लेकर मैं हूं शहबाज खान। भारत में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन, जिनकी बातें, जिनकी दी गई सीख ने आने वाली पीढ़ियों को संवारा है। ऐसे ही एक महापुरुष ने जन्म लिया बुंदेलखंड की मिट्टी में, जिन्हें आज सारा विश्व जानता है महान दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से। आज उन्हीं के कठिन परिश्रम के चलते बुंदेलखंड का ये छोटा सा शहर सागर हिंदुस्तान के नक्शे पर सारे विश्व में जाना जाता है। आज हम डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के जीवन की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कहानी वैसे तो 26 नवंबर 1870 को शुरू हुई, लेकिन असल में ये कहानी शुरू तब हुई जब उन्हें पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने कहा कि ये लड़का आग का तिलका है, एक दिन खूब चमकेगा। अंग्रेजी हुकूमत थी, बुंदेलखंड और सागर का जितना दमन अंग्रेज कर सकते थे उतना उन्होंने किया। गुमनामी के अंधेरे में गुम होते सागर को नई रोशनी देने सागर में 26 नवंबर 1870 को जन्म हुआ एक मसीहा का, जिसका नाम हरि सिंह रखा गया। इनके पितामह का नाम मानसिंह था, पर रंगरूप की वजह से लोग उन्हें भूरा सिंह कहते थे। ये अवध प्रांत से गढ़पहरा आए थे, इसके बाद सागर में बसे और एक गांव में काश्तकारी करने लगे। मानसिंह ने बुंदेला विद्रोह के समय मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी थी और वृद्धावस्था में सैनिक वृत्ति त्याग दी और फिर से काश्तकारी करने लगे थे। 84 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष के एक मात्र पुत्र तखत सिंह को छोड़कर अपने सैनिक साज सज्जा के साथ शौर्यपूर्ण वातावरण में वे देवगति को प्राप्त हुए। हमारे संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म सागर शहर के सनीचरी टोली बस्ती में हुआ था। वो अपने दादा के घर में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी ने जो घर बनवाया था सनीचरी में, उसको उनके पिताजी ने थोड़ा और सुधार किया और उसी घर में उनका घर, जिस घर में उनका जन्म हुआ था उस समय के हिसाब से जो घर हुआ करते थे सामान्य घर, उसी तरह से उनका घर था और सनीचरी में ही, सागर शहर की सनीचरी में ही उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर गौर के बचपन का राशि नाम हर प्रसाद सिंह गौर था। माँ का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा। पिता पुलिस की नौकरी छोड़कर बड़े भाई आधार सिंह के साथ जबलपुर में रहने लगे। उनकी माँ की छत्र छाया में डॉक्टर गौर की प्राइमरी शिक्षा सागर में हुई। आर्थिक अभाव के कारण माँ को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। माँ को कठिन परिश्रम करते देख उन्हें बहुत दुख होता था। पाठशाला में पढ़ने के बाद डॉक्टर गौर ने कटरा की हिंदी शाला में 3 साल अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने जिला स्कूल, जो आज म्युनिसिपल स्कूल के नाम से जानी जाती है, उस स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ने लिखने में होशियार होने के कारण वो शीघ्र ही शिक्षकों के पसंदीदा छात्र बन गए। इनके शिक्षक कहते थे कि ये लड़का आग का तिलगा है, एक दिन खूब चमकेगा। प्राइमरी के बाद 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने 2 वर्ष में ही पूर्ण कर ली और स्कूल के प्राइड बॉय कहलाने लगे। सरकार ने उन्हें 2 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था और वो एक सामान्य बालक की तरह उनकी परवरिश उनके जन्म के बाद हुई, लेकिन उनके एक वर्ष बाद ही उनमें विलक्षण बुद्धि का विकास हुआ और ऐसा लगने लगा था उनके माता पिता को और आस पड़ोस के सनीचरी के लोगों को कि यह व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी बनेगा। अगर वाकई असफलता से सफलता का पाठ कोई सीखना चाहता है तो डॉक्टर गौर के जीवन से मिलने वाली सीख एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार डॉक्टर गौर के जीवन में एक मौका ऐसा भी आया था जब किन्हीं कारणों से वो मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पाए और उन्हें पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना पड़ी।
डॉक्टर गौर ने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और सरकारी छात्रवृत्ति पर शासकीय स्कूल में प्रवेश लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जबलपुर में वो मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए। इस घटना का बड़ा ही दिलचस्प उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि सागर का एक छात्र अपनी माँ के साथ जबलपुर में पढ़ता था। उससे इनकी घनिष्ठता बढ़ी और ये उसके यहाँ खाना खाने लगे और बाद में साथ में भी रहने लगे। एक रात इनकी सोने की अंगूठी साथी की माँ ने निकाल ली। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की और फिर मुकदमा चला, जिसके बाद इन्हें अदालत में गवाही देने के लिए नोटिस मिला। इस बात से परेशान रहने लगे और गवाही के बाद कई दिनों तक मानसिक कारण से अस्थिर व व्यथित रहने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वो मैट्रिक की परीक्षा पास करने में सफल न हो सके। उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और विवश होकर उन्हें वापस सागर आना पड़ा। इसका बड़ा उन्होंने ऐसा किया कि जब वो जबलपुर में मैट्रिक की पढ़ाई करने गए थे तो उनका एक क्लासमेट था, उनका दोस्त था, जो अपनी माँ के साथ वहाँ रहता था और इनके पास सोने का कोई आभूषण था, वो शायद इनके मित्र की माँ ने निकाल लिया था और इसके लिए उन्होंने केस भी किया। लेकिन इस घटना के बाद वो इतने दुखी हुए, उनका मन मस्तिष्क इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, बाधा आई कि वो अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दे किए और वो उसमें फेल हो गए। तो इसका उनको पश्चाताप भी था और इसके बाद वो सागर वापस आ गए। डॉक्टर गौर सागर तो आए लेकिन वो यहाँ नौकरी की तलाश में 2 साल भटकते रहे। आखिर में उन्हें नौकरी मिली लेकिन वो भी पक्षपात के कारण उन्होंने नहीं की। दरअसल हुआ यूं कि सागर में नौकरी तलाशने के दौरान लोक कर्म विभाग के इंजीनियर ने इन्हें 10 रुपए महीना और इनके मैट्रिक पास साथी को 20 रुपए महीना तनख्वाह पर नौकरी दी। लेकिन डॉक्टर गौर को तनख्वाह में पक्षपात पसंद नहीं आया। उन्होंने समान तनख्वाह देने का आग्रह किया। इनके साथी ने तो नौकरी कर ली पर ये पक्षपातपूर्ण रवैये से नौकरी करने को तैयार नहीं हुए। इसके कुछ समय बाद उन्हें 20 रुपए महीना तनख्वाह पर मैस क्लर्क की नौकरी मिली। 1 माह तक प्रतिदिन सुबह से अर्धरात्रि तक इन्हें काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ गए और उस नौकरी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। और मेट का काम उनको मिला उनके एक और क्लासमेट के साथ, लेकिन दोनों की तनख्वाह में भिन्नता थी इसलिए उन्होंने इस काम को करना अस्वीकार कर दिया। तो इस घटना का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और शायद इसके बाद मैट्रिक को फेल होने के बाद उन्होंने ये दृढ़ किया कि आगे की पढ़ाई वो बहुत कुशलता के साथ करेंगे और सफलतापूर्वक अपनी संपूर्ण पढ़ाई को उसका समापन करेंगे। डॉक्टर गौर का ये बुरा वक्त ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। आखिर इतिहास के पन्नों पर उन्हें अपना नाम दर्ज जो कराना था। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया कि वे दोबारा मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और न केवल प्रथम श्रेणी में आए बल्कि सारे प्रांत में मेरिट की सूची में पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया। डॉक्टर हरिसिंह गौर के भाई उस समय जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट नागपुर में डिप्टी रजिस्ट्रार थे। डॉक्टर गौर उनके पास पहुंचे और कोई कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। भाई ने पहले मैट्रिक पास करने को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर गौर मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और न केवल प्रथम श्रेणी में बल्कि पूरे प्रांत में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए। उन्हें 50 रुपए का नकद इनाम, एक घड़ी और 20 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। गणित इनकी रुचि का विषय था। मैट्रिक परीक्षा में इस विषय में विशिष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें एक विशेष उपहार भी प्रोत्साहन के लिए दिया गया। आगे उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन नागपुर में, जो आगे चलकर हिस्लप कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसमें एडमिशन लिया। उनके भाई आधार सिंह जी जबलपुर में जब उनको नौकरी मिली, इनके पिताजी भी नौकरी करते थे और लेकिन जब इनके भाई आधार सिंह जी को जबलपुर में नौकरी मिली तो इनके पिताजी ने अपनी नौकरी छोड़ करके अपने बड़े बेटे के साथ रहना पसंद किया और वो ये सोचे कि उनका लालन पालन आधार सिंह जी करेंगे। तो आप इस तरीके से देखें कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की
जब इनके पिताजी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, एक्ट दे दिया, तो उसके बाद पूरा भारत भूषण आधार सिंह जी के द्वारा ही इनके पूरे परिवार को किया गया और उन्हीं के द्वारा इनकी पढ़ाई में भी इनकी सहायता की गई। हालांकि इनकी माँ बहुत कर्तव्यनिष्ठ महिला थी और वो चरखा चला करके जो सूत काटती थी उनको बाजार में बेचा करती थी और उससे भी कुछ धनराशि परिवार चलाने के लिए इकट्ठा करती थी। लेकिन जो मुख्य स्रोत परिवार चलाने का था, आय का, वो इनके भाई आधार सिंह जी का था। और संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार को कैसे रखना है और संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की सुविधा का, सभी उनकी आवश्यकताओं का कैसे ध्यान रखना है, ये इसकी शिक्षा डॉक्टर हरि सिंह गौर को आधार सिंह के द्वारा ही मिली थी। यही वो वक्त था जब शिक्षा के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले डॉक्टर हरि सिंह गौर को नई दिशा मिली और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नागपुर और विदेश तक जाने का मौका मिला। विदेश में भी इस महान व्यक्तित्व के धनी ने अपना लोहा मनवा ही लिया। डॉक्टर गौर ने अपने अत्यंत प्रगतिशील और प्रभावी शैक्षणिक संस्कार कॉलेज में अर्जित किए और यही हुआ उनके सुदृढ़ शैक्षणिक जीवन का शुभारंभ। अंग्रेजी और इतिहास में ऑनर्स प्राप्त करने वाले वह एकमात्र छात्र थे। नतीजतन उन्हें शिक्षकों का विशेष स्नेह, प्रोत्साहन और शैक्षणिक संवर्धन प्राप्त हुआ। प्रोत्साहित डॉक्टर हरि सिंह गौर जब अपनी पूर्ण रुचि से शिक्षाविद मैकाले के ग्रंथों का सघन अध्ययन करने लगे, जिससे उनका प्राध्यापक से घनिष्ठ संपर्क बढ़ा। इनके भाई आधार सिंह ने अपने पुत्र मुरली मनोहर सिंह की देखरेख और बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए इन्हें कैम्ब्रिज भेजा। बचपन में आर्थिक अभाव की परिस्थितियों ने इन्हें अनुभवी और लगनशील बना दिया। सभी परीक्षाओं को कम से कम समय में विशेष योग्यता के साथ पास होने की आवश्यकता को इन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। विदेश वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पर उनके चचेरे भाई भी थे, उनके भी वो देख रेख करते थे और फिर उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी और वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी माने जाते थे, बहुत ही कुशल विद्यार्थी माने जाते थे। और उस समय जो भी जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ पर क्लासेज लगने के अलावा जो भी एकेडमिक गतिविधियाँ होती थी, जैसे वाद विवाद, खेलकूद और राइटिंग कंपटीशन, इन सब में वो बहुत अच्छे ढंग से भाग लेते थे और उसमें उन्हें कई सारी विधाओं में उनको इनाम भी मिला था। तो वहाँ संडिक संस्था में जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ के शिक्षकों को, विद्यार्थियों को लगने लगा था कि ये आगे चल कर के बहुत बड़ी विधिवेत्ता बनेंगे और नए नए आयाम विधि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करेंगे। अपने अध्ययन के दौरान डॉक्टर हरि सिंह गौर न केवल कैम्ब्रिज में बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपना लोहा मनवा चुके थे। बात सन 1891 की है। ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ ने अपना एक छात्र प्रतिनिधि मंडल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। चार अन्य छात्रों के साथ सार्वजनिक मंच पर संपन्न प्रतियोगिता में डॉक्टर गौर ने भी भाग लिया, जिसका परिणाम कैम्ब्रिज रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। गौर सभी वक्ताओं में प्रथम घोषित किए गए। ऑक्सफोर्ड के प्रथम आमंत्रण पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें ही चुना गया। ऑक्सफोर्ड रिव्यू में फिर से प्रकाशित परिणाम में वो इस प्रतियोगिता में प्रथम रहे। ये इंग्लैंड में आम चुनाव का समय था। उदार दल की ओर से नगर में भाषण हुआ और नगर की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा गया। डॉक्टर गौर का दिया भाषण इतना ओजस्वी रहा कि लंदन के समाचार पत्रों ने लिखा कि डॉक्टर गौर जैसा वक्ता शासनकर्ताओं के लिए एक उपहार है। द पाल माल समाचार पत्र ने उन्हें अपना कैम्ब्रिज संवाददाता नियुक्त किया। अन्य पत्रों ने भी उन्हें सहयोग के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सन 1892 में अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टरी लंदन का प्रमाण पत्र लेकर भारत वापस लौट आए और यहीं से शुरू हुई डॉक्टर गौर की उस सपने को पूरा करने की शुरुआत, जिसने उनके व्यक्तित्व को दुनिया में महान बना दिया। 1892 में लंदन से बैरिस्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर वे भारत लौट आए और अपने बड़े भाई आधार सिंह से होशंगाबाद में मिलकर वे सीधे जबलपुर में सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर एंटोनी मैकडोनल्ड से मिले, जिन्होंने कैम्ब्रिज के 3 साल के सभी प्रमाण पत्र, साहित्यिक प्रमाण पत्र और शैक्षणिक उपलब्धियों से प्रभावित होकर नियमित ESE की अवकाश अवधि तक डॉक्टर गौर को भंडारा में
ईएससी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया। पहले स्थानीय न्यायालय और राजस्व अधिकारी का पद और कार्य उन्हें सौंपा गया। उस समय लगभग 300 उलझे मुकदमे उनके सामने थे, जिन्हें उन्होंने एक साल के भीतर ही निराकृत किया। इनकी कार्यप्रणाली और कानूनी योग्यता की सराहना शासकीय प्रतिवेदन में की गई और वे एक योग्य तथा कुशल प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर हरि सिंह गौर अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, लाहौर जैसे नगरों में वकालत की। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्होंने 4 साल इंग्लैंड की प्री काउंसिल में वकालत भी की। यहाँ आने के पढ़ाई आने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा और वो वकालत करने लगे। उन्होंने नागपुर में वकालत, जबलपुर में वकालत की, नागपुर में की, उनके समकालीन पंडित रवि शुक्ला थे वहाँ, रायपुर में उन्होंने वकालत की और उनकी वकालत उनको लायर के रूप में देश के विभिन्न शहरों में हायर किए जाने लगा और साथ साथ में देश के बाहर भी कई जगह वो उन दिनों उनको वकील के रूप में हायर किया जाता था, लायर के रूप में हायर किया जाता था और वो केस लड़ने के लिए देश के अन्य शहरों के अलावा विदेश के कई शहरों में जाया करते थे और इस तरह से उन्होंने काफ़ी धनराशि भी अर्जित की थी। डॉक्टर गौर के जीवन के सफर में शिक्षा, साहित्य और वकालत के साथ साथ वो राजनीति से भी जुड़े रहे। 1920 से लेकर 1924 तक वे 3 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके अलावा वे नागपुर नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर गौर राजनीति से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। सन 1919 में काउंसिल के स्थान पर विधान परिषद की रचना हुई। उस समय तक डॉक्टर गौर कानूनी पुस्तकों के लेखक, प्रसिद्ध अधिवक्ता माने जाने लगे थे। रायपुर छोड़कर वे स्थायी रूप से नागपुर में निवास करने लगे थे, जहां वो कांग्रेस दल के सदस्य हो गए। वे लगातार 3 बार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। परिषद में सन 1920 से लेकर 1935 तक वे सदस्य रहे। यह इनका व्यक्तित्व विधि निर्माता के रूप में प्रखर हुआ और समाज सुधार के प्रति उनके विचार मुखर हुए। उन्होंने कई बिल पेश किए जो बाद में कानून बने। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस दल की सदस्यता छोड़ दी। व्यक्तिगत रूप से उनका परिषद में काफी प्रभाव था और वे विरोधी दल के नेता समझे जाते थे। विरोधी दल का नाम डेमोक्रेटिक दल रखा गया था। आज ये मत है कि सन 1921 में गठित परिषद का कार्यकाल प्रमुख रूप से इस दल की सफलता का इतिहास है। उस समय तक स्टाम्प और टिकट इंग्लैंड से छपकर आते थे। उन्होंने एक योजना बनाकर परिषद में पेश की, जिसके बाद नासिक में एक फैक्ट्री निर्मित की गई, जिसमें समस्त स्टाम्प और टिकट छापे जाने लगे। सन 1923 के अधिनियम 30 का प्रारूप बनाकर उसे पास करवाया, जिसके अनुसार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध संप्रदायों में अंतरजातीय विवाह संपन्न हो सके और ऐसे में विवाहितों का पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखने का प्रारूप बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के वो सम्मानित सदस्य थे और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा लॉ के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे क्रिमिनल लॉ, इसके अलावा अन्य सारी ऐसी पुस्तकें जिसमें विधि के बारे में मूलभूत सिद्धांत, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने दिया और उनकी किताबें अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उन किताबों में उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट्स। सारे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके डॉक्टर गौर के जीवन में अनेकों उपलब्धियां रही। शिक्षा में डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किए गए। इसके अलावा नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति निर्वाचित हुए और उनकी अनूठी प्रतिभा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1921 में केंद्रीय सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए और 1924 तक इस पद पर आसीन रहे। इस विश्वविद्यालय की प्रारंभिक प्रगति का इतिहास डॉक्टर गौर की शैक्षणिक प्रतिभा और प्रशासनिक अनुभव की वानगी है। कुशल प्रशासक और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1925 में सर की उपाधि से अलंकृत किया। इसके बाद वे नागपुर विश्वविद्यालय में 1928 से 1936 तक कुलपति के पद पर निर्वाचित हुए और इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 28 विश्वविद्यालय के कुलपतियों का
25 दिवसीय सम्मेलन डॉक्टर गौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर इंग्लैंड से भारत आने पर डॉक्टर गौर ने सागर के प्रमुख नागरिकों से संपर्क किया और सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की रूपरेखा उनके सम्मुख प्रस्तुत की। मध्य प्रांत और बरार राज्य की सरकार के जबलपुर में विश्वविद्यालय को स्थापित करने के सुझाव को ठुकरा कर डॉक्टर गौर ने बिना किसी शासकीय सहायता के 18 जुलाई 1946 को सागर स्थित मकरोनिया सैन्य बैरक में विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। वे तात्कालिक नवनिर्मित सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए, जो मध्य प्रांत बरार का पहला और भारत का 16वां विश्वविद्यालय बना। 25 नवंबर 1946 को मध्य प्रांत और बरार के प्रांतीय शासन ने सागर विश्वविद्यालय का विधिवत अधिनियम पारित किया। सागर अभी भी बहुत छोटा शहर है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 1944-45-46 में इस शहर की क्या स्थिति रही होगी, यहाँ यातायात की क्या सुविधा रही होगी। एक बहुत छोटी जगह में, बुंदेलखंड के एक बहुत छोटी जगह में, उन्होंने यह परिकल्पना की कि इस जगह पर हम एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलें जिसकी वजह से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की युवाओं के साथ साथ देश के युवाओं को भी उच्च शिक्षा मिल सके। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने छोटी शहर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने भरसक प्रयत्न किए होंगे। और उस समय उनके समकालीन समाचीन लोग जो थे, जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, शायद उनकी इच्छा ये नहीं थी कि ये विश्वविद्यालय सागर में खुले। वो अन्यत्र इस विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन हमारे संपादक, हमारे संस्थापक सर डॉक्टर हरि सिंह गौर, तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद, उन्होंने दृढ़ कल्पना की थी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना वो सागर में ही करेंगे। तो उन्होंने उस समय करीब 20 लाख रुपए की राशि से विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उनकी लग्न की बात आप देखें कि कोई भवन नहीं था सागर में जहाँ पर कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई की शुरुआत हो सके। तो मकरोनिया में, सागर शहर के मकरोनिया में, जहाँ पर आर्मी बैरक में रहा करती थी और उस समय आर्मी का भवन बन गया था, तो जैसे ही सिपाहियों ने बैरक को खाली किया, उन बैरकों में ही हमारे संस्थापक ने ग्रेजुएशन, स्नातक की परीक्षा की कक्षाएं लगाना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू हो गई। और कई वर्षों तक मकरोनिया के बैरकों में ही हमारा विश्वविद्यालय चला। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर अपने जीवन का बहुत कम समय ही सागर में व्यतीत कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई इस शहर को शिक्षा के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए समर्पित कर दी। केंद्रीय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरह ही डॉक्टर गौर का सपना सागर में भी ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का था। करीब 18 एकड़ में पथरिया की चट्टानों को तराशकर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले डॉक्टर गौर द्वारा विश्वविद्यालय की सबसे पहले स्थापना 20 जुलाई 1946 को मकरोनिया में की गई, जिसमें 16वीं वाहिनी विशेष बल का मुख्यालय है। उस वक्त यह विश्वविद्यालय करीब 150 विद्यार्थियों और 20 से 22 शिक्षकों से शुरू किया गया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर श्री शिव कुमार श्रीवास्तव ने कुछ इस तरह से डॉक्टर गौर के उस वक्त के विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। ये जिस परिसर में हम खड़े हैं, वह आज 16वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय है। इसी स्थल पर 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। लगभग 150 विद्यार्थी और 20-22 शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था 18 जुलाई 1946 को। तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से, कश्मीर से, आसाम से, सारे देश के छात्र समय विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पहले दिन इसमें लगभग 150 विद्यार्थी थे, पहले सत्र में लगभग 250 विद्यार्थी हो गए थे। जिस स्थल पर हम अभी खड़े हैं, ये आज विशेष सशस्त्र बल की 10वीं वाहिनी का प्रशासनिक भवन है। जब विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ था 18 जुलाई 1946 को, तो उस समय इसके संस्थापक और पहले कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इसी भवन में अपना प्रशासनिक
कार्यालय स्थापित किया था यहाँ से वहाँ तक, ये उनका कक्ष था। और इस कक्ष में आजीवन डॉक्टर हरि सिंह गौर ने बैठकर प्रशासनिक कार्य किया विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद, इसके विकास का। विश्वविद्यालय का जो स्वरूप आज है नए स्थल पर भी, उसकी पूरी परिकल्पना, उसकी पूरी पूरी योजना डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने यहाँ बैठकर बनाई थी। 25 दिसंबर सन 1949 की सुबह डॉक्टर गौर ने गौर भवन में आखिरी सांस ली और यह महान दानवीर हम सबको अलविदा कहकर हमारे बीच से चले गए। डॉक्टर गौर के बाल्य अवस्था के कुछ साल, मैट्रिकुलेशन के एक दो साल और सन 1945-46 के बाद का अंतिम समय पूर्ण रूप से सागर के संपर्क में रहा। वह हमेशा पथरिया पहाड़ी पर घूमने आया करते थे। वह प्रकृति प्रेमी थे। शाम को तालाब में सूरज डूबते देखना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 15 अगस्त सन 1948 को सागर विश्वविद्यालय के नए परिसर की आधारशिला प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत सुगम पथरिया पहाड़ी, जहां वर्तमान में कैंपस स्थित है, वहां रखी। इस नगर के विकास और समृद्धि के लिए उनके मस्तिष्क में बहुत सी योजनाएं थी, जैसे अच्छा स्टेशन, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, राजधानी का विचार और जल योजना, जिनमें से कुछ तो वह अपने जीवन काल में ही पूरी कर गए। अपने इस नगर में विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में वह कहा करते थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समान ज्ञान केंद्र को राज्य सत्ता से दूर ही होना चाहिए। प्रारंभिक धनराशि करीब 20 लाख से उन्होंने मध्य प्रांत और बरार के प्रथम विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया और अपनी वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा, जो उस समय करीब 2 करोड़ रुपए के बराबर था, इसके लिए दान किया। इन दोनों विश्वविद्यालयों से हमारा विश्वविद्यालय अलग है, हमारे संस्थापक का प्रयास अलग है। वो इस दृष्टि से अलग है कि वो शांति निकेतन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों के संस्थापक अपने निजी, अपने स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि से विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की, बल्कि जनता के कंट्रीब्यूशन से, जनता के योगदान से विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे संस्थापक ने स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि से विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम सबको विदित है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को भारत रत्न मिल चुका है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न मिल चुका है, और इसी श्रेणी में हमारे संस्थापक सर डॉक्टर हरि सिंह गौर को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। वो भारत रत्न के असली हकदार हैं। 25 दिसंबर सन 1949 की सुबह डॉक्टर गौर ने गौर भवन में आखिरी सांस ली और यह महान दानवीर हम सबको अलविदा कहकर हमारे बीच से चले गए। डॉक्टर गौर ने 25 दिसंबर 1949 को मॉडल हाउस गौर भवन यानी वर्तमान कुलपति निवास सिविल लाइन में सुबह 8 बजे अंतिम सांस ली थी, जिसकी खबर फैलते ही सागर सहित पूरा बुंदेलखंड स्तब्ध और गहन शोक में डूब गया। विशाल जनसमूह के बीच उनके शरीर को मुखाग्नि उनके भतीजे डॉक्टर दुष्यंत गौर ने पथरिया पहाड़ी पर स्थित परिसर वर्तमान समाधि स्थल पर दी, जहां गौर समाधि आज स्थापित है। वहीं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे दानवीर और शिक्षाविद के लिए ठीक ही कहा है, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी है हरि से है तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्य। डॉक्टर गौर के व्यक्तित्व को देखकर कहा जा सकता है, ज्ञान गंगा के अधिपति तुम व्यक्तित्व कितना था विराट, दानवीर कहें, कर्मवीर कहें या फिर कहें शिक्षा का सम्राट, कई गुणों से सज्जित तुम करते थे मानवता का समर्थन। ऐसे डॉक्टर गौर को सागर टीवी न्यूज का शत शत नमन।